आप सभी होप आप सभी गुड होंगे अपने घर में सेफ होंगे वेलकम बैक टू अवर चैनल कैसे हैं आप सभी आप बिल्कुल ठीक होंगे और समर के मजे भी ले रहे होंगे गर्मी बहुत है लेकिन बच्चे हमारे घर में बहुत शोर मचा रहे हैं तो हम जा रहे हैं आज उनको दिखाने के लिए डॉल म्यूजियम डॉल म्यूजियम यस आपने भी सुना होगा डॉल म्यूजियम के बारे में और आप में से बहुत से लोग डॉल म्यूजियम गए भी होंगे तो आज हम बच्चों को डॉल म्यूजियम लेके जा रहे हैं चलिए देखते हैं वहाँ पे बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है और मैं आपको कुछ वीडियोज भी शेयर करूंगी वहाँ की तो लेट स्टार्ट कॉल म्यूजियम जाने के लिए जो हमने मेट्रो चूज़ किया है शादरा से आई जाने के लिए आई थिंक सेवन टू एट स्टेशन लगते हैं कश्मीरी गेट से चेंज करते हैं हम वायलेट लाइन के लिए वायलेट लाइन से सीधा आई टी ओ तार आई टी ए के आई टी ओ के गेट नंबर फोर से एग्जिट करेंगे तो आपको वहीं पर ही साथ में राइट हैंड साइड में आपको डोल म्यूजियम देखने को मिलेगा तो अब हम जो है वायलेट लाइन का वेट कर रहे हैं और हम आई टी ओ पर पहुँच गए हैं आई टी ओ से देखिए सीधा राइट हैंड साइड पर जो है आपको डॉल म्यूजियम की एंट्री मिलेगी एंट्री करते वक्त जो है राइट हैंड साइड में आपको टिकट काउंटर मिलेगा तो बड़े लोगों का टिकट चार्ज थर्टी रुपीज़ है और छोटे बच्चों का चार्ज जो है वो ट्वेल्व रुपीज़ है और यहाँ पे अगर आप ग्रुप में आते हैं बच्चों को लेकर तो उसका भी चार्ज जो है आपको और भी कम देखने को मिलेगा मंडे क्लोज़ रहता है टेन टू सिक्स का टाइमिंग है हमने टिकट खरीदा और साथ में आप देख सकते हैं स्टेयर्स पे पूरी स्टेयर्स पे आपको जो है आ, बोर्ड मिल जाएंगे डॉल्स के बोर्ड मिल जाएंगे लाइटनिंग बोर्ड अब हम स्टेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहे हैं और ये है हमारी एंट्री यानी कि यहाँ से जो है हम एंट्री कर रहे हैं एकांश और नीलेष मेरे साथ हैं वही शोर मचा रहे थे कि इतना पास में है तो हम जरूर देखेंगे तो यहाँ पे सामने आपको वर्ल्ड मैप आप देखने को मिलेगा लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ़ आपकी एंट्री है यहाँ पे हैंड सैनिटाइज करते हैं और आप एंट्री कर सकते हैं ये हमारे आर के शंकर पिल्लई जी हैं अगर मैं नाम गलत लिख रही हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं तो डॉल म्यूजियम में, में एंट्री करते हैं आपको बहुत सारी डॉल देखने को मिलेंगी वर्ल्ड की आ, अलग अलग कंट्रीज़ की आपको डॉल्स देखने को मिलेंगी इंडिया की भी कुछ स्टेट्स की जो है डॉल रिप्रेजेंट करी गई है मैं चाहूँगी कि आप जो है वहाँ पे जाके इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा तरह तरह की डॉल देखने को मिलेंगी बच्चों को लाइए बड़ों को लेकर आइए थोड़ा चलना पड़ता है डॉल म्यूजियम को पूरा कवर करने में आई थिंक टू आवर्स तो लग ही जाते हैं अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आई थिंक आप जितना टाइम एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को आपको नई नई चीज़ें पता चलती जाएंगी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा निलेश और एकांश का एकांश तो बहुत ही खुश हुआ यहाँ पे पानी की और वॉशरूम की व्यवस्था तो बहुत साफ है और ए फुल्ली ए है और वेल मेंटेन है डॉल म्यूज़ियम मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से जो है डॉल्स को रखा गया है और तरह तरह की डॉल्स देखने में आपको बहुत अच्छा लगता है इंडिया की भी डॉल्स बहुत अच्छी लगती हैं हम जब इसे पूरा करके कंप्लीट करा हमने तो हम राइट हैंड साइड से एग्जिट किए फिर हमने कुछ फोटो शूट्स भी करा तो ये था हमारा डॉल म्यूजियम का छोटा सा ट्रिप कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय